पलामू जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन व पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन के संयुक्त अध्यक्षता में बुधवार को टाउन हॉल में आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर उपायुक्त श्री रंजन ने विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधियों से पूजा को सफल बनाने में सहयोग की मांग की। उन्होंने सभी पूजा समितियों से पूजा भव्य लेकिन शांतिपूर्ण तरीके मनाने की अपील की। बैठक में उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र में संचालित व्हाट्सएप के विभिन्न ग्रुप पर पैनी नजर रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन दिनों आपत्तिजनक सामग्रियां इसी माध्यम से प्रसारित की जाती है, ऐसे में इन पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। उन्होंने दागी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध 107 के तहत कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में पूजा पंडालों के समीप कहीं भी बिजली के तार जिन शीर्ण अवस्था में ना रहे। वहीं पंडालों में महिला व पुरुष के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था रखने पर बल दिया। वहीं पंडालों में तैनात रहने वाले वॉलंटियर के बीच पहचान पत्र वितरण करने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने पंडालों में महिलाओं के लिए अस्थायी शौचालय के निर्माण पर भी बल दिया, साथ ही फायर फाइटिंग सिस्टम के रखने की भी बात कही। उन्होंने सभी दंडाधिकारियों से अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर अनिवार्य रूप से रहने की बात कही। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए पूजा समितियां के प्रतिनिधियों से SP रिमसा रमेशन ने पंडालों में 100% CCTV लगाने की बात कही। इसके साथ ही अग्निशामक यंत्र बिजली विभाग की ओर से पंडाल का फिटनेस प्रमाण पत्र रखने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि पूजा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने रावण दहन कार्यक्रम के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल पर पाइपलाइन युक्त वाटर टैंकर रखने की ही बात कही। उन्होंने कहा कि जिले के सभी थाना प्रभारी मोबाइल मोड में रहेंगे। बैठक में जिले भर से आए विभिन्न अखाड़ा समिति के सदस्यों और पूजा समिति के प्रतिनिधियों व अन्य समाज संगठनों के लोगों ने भी अपनी अपनी मांगों से जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को अवगत कराया। मौके पर उपरोक्त के अलावे ऊपर समाकर्ता तीनों अनुमंडल पदाधिकारी सभी अंचल अधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी थाना प्रभारी पूजा समिति व विभिन्न अखाड़ा समिति के लोग उपस्थित रहे। देखिए आज दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति का बैठक हम लोगों ने रखा था। इसमें सभी गणमान्य लोग, सभी पुलिस अधिकारी, सभी प्रशासनिक अधिकारी आए थे, जहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है किस किस मुद्दे पे हमें काम करने की ज़रूरत है। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमें किन बिंदुओं पे एक पब्लिक के बीच में जाके काम करना है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है लोगों के साथ, वो क्रिएट करना है। कोई भी इश्यूज होता है उस पर तुरंत कार्रवाई करनी है, और जो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी रहेंगे हर एक चीज़ों से निपटने के लिए वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। साथ में हमारी जो अन्य लाइन डिपार्टमेंट है, जैसे फायर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, फूड सिविल सप्लाई हो गया, या फिर हमारा रोड हो गया, तो उस पर भी हम लोग किस तरह अद्यतन तरीके से कार्रवाई करें उस पर भी निर्देश दिया गया है। हर एक इवेंट में जहाँ पे लार्ज गैदरिंग होती है उसमें नगर पंचायत का या नगर निगम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, अहम रोल रहता है। साफ सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करनी होती है, उस पर भी एक डायरेक्शन दिया गया है। हमको लगता है कि आने वाले समय में हम लोग बेहतरीन तरीके से दुर्गा पूजा यहाँ मनाएंगे और सब लोग अच्छे वातावरण में, अच्छे माहौल में इसको समापन करेंगे। आज पलामू जिला के दुर्गा पूजा और आगे आने वाले छठ और दिवाली के त्यौहार को लेकर शांति समिति का बैठक का आयोजन हुआ है। इससे पहले पलामू पुलिस के द्वारा कुछ दिशा निर्देश हर पंडाल वालों को दिया था, उसमें सब डिविजन वाइज मैंने खुद उनके साथ मीटिंग किया था, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV लगाना और फायर एक्सटिंग्विशर का और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट PWD से लेना और इलेक्ट्रिसिटी विभाग से लेने का और फर्स्ट एड किट का रखना और CCTV मॉनिटरिंग के लिए एक छोटा सा स्क्रीन का तैयारी रखना, ये सब दिशा निर्देश ऑलरेडी उनको दिया गया है। और एक वॉलंटियर का आइडेंटिफाई करना हर पंडाल को लेके, पुरुष और स्त्री वॉलंटियर्स का आइडेंटिफाई करना और उनका वेटिंग थाना से करवाना और उनको थाना स्तर से जो अध्यक्ष है पंडाल समिति का उनके और थाना प्रभारी के कंबाइंड सिग्नेचर से एक ID कार्ड इश्यू होगा जो त्यौहार के टाइम पे वो लोग यूज़ करेंगे, इससे जितना जल्दी हो सके उनके पहचान हो पाएंगे। और साथ में ही हर पंडाल में पंडाल के अध्यक्ष सचिव और साथ में ही लोकल थाना प्रभारी और DSP का नाम और नंबर लिखते हुए बोर्ड्स लगाने का भी निर्णय लिया गया था, ताकि आम पब्लिक को किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा तो तुरंत कंसर्न अधिकारी को या कंसर्न अध्यक्ष या सचिव या पंडाल से रिलेटेड जो भी कार्यकर्ता होगा उनको कन्वे कर पाए और जल्दी से उसका निपटारा हो सके। साथ में ही हर पंडाल में फर्स्ट एड किट रखने का भी निर्णय लिया गया है, सो दैट किसी भी प्रकार का इमरजेंसी होता है तो उसको जल्दी से हम लोग टैकल कर पाएंगे। और पलामू पुलिस की तरफ से यही अपील है कि आगे आने वाले त्यौहार का समय है, आगे आने वाले 50 दिन के आसपास,
पलमू वासियों के, पलमू पुलिस के कप्तान होने के नाते मेरे यही विनती है कि सब लोग एक साथ मनाएं और पलमू का त्यौहार मनाने वाले एक साथ जब बिना किसी परेशानी से बिना किसी प्रॉब्लम के त्यौहार मनाएं और एक मिसाल पूरे झारखंड और पूरे भारत के लिए एक मिसाल प्रकट प्रदर्श करें कि किस प्रकार से त्यौहार मनाया जाए शांतिपूर्वक सारे विधि व्यवस्था को मेंटेन करते हुए सारा रूल्स को पालन करते हुए।